तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पार राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, 7 से 12 तक। गिबियोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूँ। सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को उसके पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। ये राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है? सुलेमान का ये निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे ये मांगा, तुमने अपने लिए ना तो लंबी आयु मांगी, ना धन संपत्ति और ना अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे सम्मान ना तो पहले कभी कोई था और ना बाद में कभी कोई होगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी सहीनता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तेरी सहीनता मुझे कितनी प्रिय है। हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व है। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन करने का निश्चय किया है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी सहीनता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी सहीनता मुझे कितनी प्रिय है। तेरा प्रेम मुझे शांत बना देता है, जैसे कि तूने अपने सेवक से प्रतिज्ञा की है। मुझे तेरा प्रेम मिल जाए और मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि तेरी सहीनता मुझे परम प्रिय है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी सहीनता मुझे कितनी प्रिय है। मैं तेरी आज्ञाओं को परिष्कृत सोने से भी अधिक चाहता हूँ। मैं तेरे नियमों पर चलता और कुमार्ग से घृणा करता हूँ। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी सहीनता मुझे कितनी प्रिय है। तेरी आज्ञाएं अपूर्व हैं, इसलिए मैं उनका पालन करता हूँ। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों की भी समझ में आती है। अनुवाक्य, हे प्रभु, तेरी सहीनता मुझे कितनी प्रिय है। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 28 से 30 तक। पाठ का मूल संदेश है, ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है।
क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पलौठा हो जाए। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। अनुवाक्य, हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 13 पद संख्या 44 से 52। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। क्या तुम लोग ये सब बातें समझ गए हो? शिष्यों ने उत्तर दिया, जी हाँ। यीशु ने उनसे कहा, प्रत्येक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य के विषय में शिक्षा पा चुका है उस गृहस्थ के सदृश है जो अपने खजाने में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।